आज से बाजार अब फूलों से सज चुके हैं। इस बार अलग अलग तरह के गुलाब के फूलों ने लोगों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित किया। महानगर के गोलघर में गुलाबों के बाजार गुलजार हैं और लोग इसे खरीदने के लिए दुकानों पर खींचे चले आ रहे हैं। जिसकी जितनी जेब वैसा ही उसके लिए गुलदस्ता तैयार किया जाता है इन दुकानों पर लगे फूलों से। किसी को अपने दोस्तों को इन फूलों के माध्यम से बधाई देनी है तो कोई अपने बॉस को गुलदस्ता भेंट कर नए साल की शुभकामना देना चाहता है। किसी को अपने परिवार की खुशियों और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान के लिए ये रंग बिरंगे गुलाब चाहिए तो कोई अपने किसी खास को उसकी अहमियत जताने के लिए इन गुलदस्तों का सहारा लेता है। इन सभी खास वजहों से नए साल पर इन फूल वालों की दुकानदारी भी जोरों पर है। बदलते हुए दौर में ये फूल भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। ये फूल हर तरह से ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए गुलदस्तों की शक्ल में बाजार में मौजूद हैं, जिसे खरीदने के लिए खरीदार बेकरार भी दिखे। हमने कुछ ऐसे ही खरीदारों से बात की जो नए साल का जश्न इन फूलों के साथ मनाना चाह रहे थे। 2019 जा रहा है, 2020 आ रहा है। मेरा जो 2019 था वो भी काफ़ी अच्छा गया। आशा करती हूँ कि 2020 भी बहुत अच्छा जाएगा, हम सबके लिए अच्छा जाएगा। मैं भगवान से प्रे भी करूँगी और सेलिब्रेट तो करूँगी ही करूँगी, आज रात में भी और कल में भी। और शुरुआत जो स्टार्टिंग होगी वो भगवान के दर से ही होगी स्टार्टिंग, क्योंकि फूल जो होता है उससे मतलब अच्छा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता है। और जो मैं यही मतलब रोज रेड अक्सर खरीदती हूँ, रोज मतलब रेड जो है वो प्रेम का हमारे प्रतीक होता है, जो मेरे फ्रेंडों के लिए ज़्यादा सही रहेगा और उनसे प्यार भी हमारा बने रहेगा। और रेड इसीलिए लोग ज़्यादातर खरीदते हैं कि रेड रोज ही सही रहता है, इसलिए मैं रोज रेड फ्लावर एंड केक वगैरह कट करके अच्छे से साउंड वगैरह मतलब घर में यही सब डेकोरेशन करके सेलिब्रेट किया जाएगा फ्रेंडों में। भगवान का आशीर्वाद लेंगे। हाँ बिल्कुल, अपने फैमिली वालों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है कुछ ऐसा, बस सिंपल तरीके से।